ये खुला 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 यार। ओह हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस सुबह के 7 बजने वाले हैं और अभी हम रेडी हो चुके हैं बिकॉज आज हम जाने वाले हैं हरियाणा और सभी के सभी रेडी हो चुके हैं। सभी बहुत खुश है, मम्मी देखो कितनी खुश है। और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है बिकॉज किसी टेक्निकल इशू की वजह से पता नहीं आवाज़ ही नहीं आ रही थी, तो वॉइस ओवर कर रहा हूँ फिलहाल इंट्रो में। और अभी फिलहाल सुबह सुबह सभी रेडी हो गए हैं, बहुत एक्साइटेड भी हैं, तो चलो चलते हैं। तो गाइज हम जा रहे हैं कहाँ? पुराने वाले घर में। पुराना नहीं है वो, अभी भी हमारे दिल में जीतेगा। ये देखो पहले से बटन दबाए ना, ना पैर से करा मैंने, सब दिखता है वीडियो में, एडिटिंग में काट देंगे। देखो देखो भाई पहले ही बंद होने लग गया तो लात मारने से। तो मम्मी पापा जाएंगे इनोवा में और हम बच्चे बच्चे जाएंगे सारे फॉर्च्यूनर में, और चाची कुनाली और योर दादाजी तो यहीं पे ही, क्योंकि ओरियो को ले आ सकते ना, क्योंकि हमारा हरियाणा से कहीं और जाने का प्लान भी है। इनोवा में जाओगे फॉर्च्यूनर में जाओगे? किसी में भी चले जाओगे मैं तो। इनोवा कम्फर्टेबल है उसमें जाओ। तो गाइस दोनों गाड़ियाँ रेडी हैं, दोनों स्टार्ट कर दिया हमने, तो अब चलते हैं। फर्स्ट टाइम अपनी दो गाड़ियाँ जा रही है किसी ट्रिप पे, ये सही है, कम्फर्टेबल आपके लिए ना। साहिल, तो साहिल की पहली लॉन्ग ट्रिप होने वाली है। बाय ओलू। मुझे क्यों लेके जा रहे? और ये आपको नहीं ले आ सकते हम? मुझे भी ले जाओ। नहीं ले आ सकते, नहीं ले सकते। और क्या लाना है? क्या लाना है? पेडिग्री लाना। पेडिग्री? पेडिग्री चाहिए? हाँ। इसको चल गया, बता जा रहे हैं। प्रणाली बाय बाय। अब हांसी मिलते हैं सीधा आगे। हांसी मिलते हैं? क्यों मिलते हैं हांसी? अब हरियाणा मिलते हैं सीधा। अच्छा, आराम से चलना है, और ये नहीं कि हम इतना आगे चले गए तो मम्मी नहीं आए, आराम आराम से। अच्छा, अपन तीन ही जने जा रहे हैं? तो साथ में हमारे दिव्यांश जा रहे हैं, हेलो हेलो, और पीयूष जा रहे हैं बस। तो सबसे पहले हम आए हैं पेट्रोल पंप पे, डीजल फुल कराते हैं और फिर चलते हैं नॉन स्टॉप सीधा हरियाणा। जानी याद जानी बातों पे मैंने सजा ली है। तो भी गाइस रुके हैं यहाँ पे, पता नहीं इनोवा कहाँ रहेगी, हम शायद थोड़ी ज्यादा आगे निकल गए हैं। मैंने फोन तो करा है, आ रहे हैं शायद, वेट कर रहा हूँ फिलहाल तो इनोवा का। बाय द वे फॉर्च्यूनर क्या मस्त लग रही है यार, आ गई फाइनली। चलो साथ साथ चलो साथ साथ। तो भी गाइस 11 बज चुके हैं, 7 बजे हम निकले थे अराउंड, तो 4 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, और आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है। यहाँ से 250 किलोमीटर रह गया अराउंड बस। और गाइस हमारा प्लान है, हम जाके ना पारस भैया को सरप्राइज करेंगे, बिकॉज अभी वहाँ किसी को पता नहीं कि हम आ रहे हैं। तो गाइस सिर्फ 100 किलोमीटर रह गया तो पीयूष पहुंचने वाले हैं, ये दिखा रहे 2 बजे पहुंच जाएंगे हम। और हम कहीं भी नहीं रुके खाने के लिए, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, और मम्मी पापा साहिल रुक गए थे खाने के लिए कहीं पीछे, हम रुके ही नहीं, हमारा मन नहीं कर रहा था, हमने चिप्स चुप्स खा लिए थे बस, हम सीधा घर ही आ रहे हैं। एक्साइटमेंट हो रही है ना, तो भूख भी लगती यार। तो फाइनली एक ब्रेक ले लिया, जूस ब्रेक, गन्ने का जूस दिख रहा है, तो पीते हैं और फिर चलते हैं। यहाँ सिर्फ 50 किलोमीटर रह गया, पहला ब्रेक है हमारा। भाई पैरों में दर्द हो गया पूरा। दर्द हो गया? कोई नहीं, थोड़ी देर यहीं पे रेस्ट कर लेते हैं। तो पीयूष को तो नारियल पानी पीना है। तो गाइस हमारे पास ये गिलास है, पीयूष के पास ये है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डस्टबिन नहीं है, तो अंकल जी कह रहे हैं कि ये है डस्टबिन, ये नहर डस्टबिन है, ये डस्टबिन है, ये डस्टबिन है। आपको डस्टबिन रखना चाहिए ना। अभी मैं देख रहा था सारे यहाँ से सीधा इसमें फेंक रहे थे सारे, ये देखो यहाँ पे इतने सारे जूस वाले हैं, किसी ने डस्टबिन नहीं रखा हुआ, बगल में नहर है, कह रही है डस्टबिन, सारे ऐसे फेंक रहे स्टाइल से नहर में, ऐसे जैसे पैसे उड़ा रहे हैं ऐसे पैसे। मैं सोच रहा यार इनके माइंड में नहीं आ रहा फेंकने से पहले कि फेंक कहाँ रहे हैं, कहाँ फेंक रहे हैं ये, लेकिन उनके माइंड में कुछ नहीं आ रहा, वो सीधा फेंके जा रहे हैं बस, सारे ग्लास फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे। तो गाइस इस तरह से मत करा करो, डस्टबिन रखो जो भी है, और बस फिलहाल अब निकलते हैं हम। तो अब यहाँ से 1 घंटे का रास्ता रह गया बस, 50 किलोमीटर रह गया, आराम से जाएंगे। अभी तो मम्मी पापा तो बहुत पीछे, अराउंड 100 किलोमीटर पीछे हैं, वहीं पहुँच के कुछ खाएंगे। तो फाइनली गाइस यहाँ से पहुँच चुके हैं, अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं मम्मी पापा का, वो आ रहे हैं 1/2 घंटे में, इतने हम यहाँ पे आए हैं। रॉयल विंग्स यहाँ पे आते हैं ना यूजली खाने के लिए, तो कुछ खा लेते हैं इतने, फिर चलेंगे साथ में, लेट्स गो। अबे यार ये तो बंद पड़ा है, अबे यार आते ही पॉपट हो गया, अब क्या करें, अब कहाँ जाएं। तो अभी गाइस सबसे पहले हम आए हैं श्रुति के पास में, श्रुति को जानते हो कि कैरी मिनाटी वाली, तो अभी हम यहीं से जा रहे थे, तो श्रुति अगर बगल में ही था, मैं कहा चलो श्रुति से मिल लेते हैं। आज मेरा प्लान है सारे फ्रेंड्स से मिलूं जितने भी यहाँ पे, क्योंकि हम आ जाए यहाँ पे, कल हम निकल जाएंगे यहाँ से, तो सबसे मिल लेंगे आज। फाइनली इनोवा भी आ चुकी है, कैसा रहा, मजा आया, कंफर्टेबल कंफर्टेबल, चलो चलो चलो। तो फाइनली अपनी कॉलोनी में घुस चुके हैं, बस यहाँ से ऐसे मुड़ना है और ऐसे मुड़ना है। ओ भाई पीयूषी लेफ्ट मुड़ना है, यहाँ से सिर्फ लेफ्ट, सिर्फ यहाँ से लेफ्ट लेना पीयूषी। तो
फाइनली गाइस। अरे अपनी पार्किंग, अरे अंदर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी खड़ी है अंदर, गौरव भैया की गाड़ी होगी। क्या यार कैसा लग रहा है बिल्कुल। अरे याद है यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, गली क्रिकेट अपना। पीयूष मार खाता था यहाँ पे। फाइनली हम अपने घर पहुँच चुके हैं, फाइनली मजा आ गया। अरे गौरव भैया घर, चाबी लाओ चाबी। सर दे बात सुनो, आवाज आती थी। अरे हाँ, और यहाँ से देखता था ओरियो। तो चाबी लेके आते हैं, चाबी सामने वाले घर के पास है। चलो तो भी यही समय है, गौरव भैया घर पे हमारे सामने वाले हैं ना, तो यहीं पे खाते हैं मस्त कड़ी चावल। सही है, बाहर नहीं खाया हमने, सिर्फ पीयूष और मैं खा रहे हैं, बाकी सबने तो बाहर ही खा लिया था। तो गाइस मस्त खाना हो चुका है, अब चलते हैं अपने घर। चलो भाई, ये खुला 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 यार। ओ ओ भाई, ये क्या हो रखा है, पूरा धूल ही धूल अंदर। तो गाइस पूरी धूल ही धूल हो रही है, जब से हम हल्द्वानी गए थे ना, मम्मी तो पहली बार ही आ रही है। कैसा लग रहा है? कैसा अच्छा लग रहा है बेटा, अपना घर ठहरा। तो अब चलते हैं ऊपर स्टूडियो में, स्टूडियो देखते हैं, स्टूडियो का हाल देखते हैं क्या हो रहा है। मम्मी जी ने तो आते ही साफ सफाई शुरू कर दिया, झाड़ू उठा के पर्स तो रख दो नीचे। तो अभी गाइस टाइम आ गया स्टूडियो खोलने का। नहीं तूने घर खोला था, मैं स्टूडियो खोलूंगा भाई। एक बार भी नहीं खुला जब से हम यहां से गए हैं, एक बार भी नहीं, एक बार भी फर्स्ट टाइम। इसका वो दिखाओ ना सिनेमैटिक। ओ माय गॉड, ओ घोर ना ओ यार, ये इसको बहुत मिस करता हूं। और हमारे साथ में सोनू भैया भी आ चुके हैं। कैसे हो? बढ़िया है। बढ़िया, और कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से हमने स्टूडियो बनाया था और हमको यहाँ से जाना पड़ा। और इस लोगों को तो मैं बहुत मिस करता हूँ ये वाला, और यहाँ की लाइट को बेसिकली देखो कितनी मस्त लाइट है। यहाँ पे कोई लाइट नहीं चली हुई फिर भी यहाँ से मस्त सनलाइट आती है ना। तो नया वाला स्टूडियो बनाएंगे ना, उसमें भी ऐसे कुछ करेंगे जहाँ सनलाइट मस्त आए बस। चलो ऊपर जाके देखते हैं। याद है ओरियो भागता था यहाँ पे? अभी ओरियो होता है ना, ओरियो को बहुत मस्त मजा आता, बिकॉज ओरियो देखता था यहाँ से, चारों साइड देखता था ओरियो। अरे हाँ, साहिल यहाँ पे कूद जाता था, नहीं यहाँ से नहीं वहाँ से कूदता था। तो मम्मी पापा और चाचा तो नीचे सफाई कर रहे हैं अभी, अभी हम ऊपर आ गए थे, मस्त मस्त हवा चल रही है यहाँ। तो कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा। मुँह पे कुछ बांध लो, धूल से तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। मास्क लगा लो, मास्क, धूल से तबीयत खराब हो जाएगी। तो अभी मैं आया हूँ गाड़ी के पास ड्रोन लेने के लिए, ड्रोन उड़ाते हैं। तो अब गाइस यहाँ से ड्रोन उड़ाते हैं और देखते हैं कैसे लगता है। अब मेरे पास बड़ा वाला ड्रोन है ना। तो अभी गाइस ड्रोन ड्रोन उड़ा लिया है, अब हम जा रहे हैं वहीं सरप्राइज। तो अभी साहिल, पीयूष, मैं और दिव्यांश भैया जा रहे हैं। तो अब चलते हैं सीधा पारस भैया के घर पे और उनको सरप्राइज करते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है उनका। पारस भैया घर तो पहुंच गए हैं, फॉर्चुनर यहाँ खड़ी कर दी है और उनकी थार देखो, ये खड़ी उनकी थार। तो अब चलते हैं, ऐसे करेंगे एकदम से तीनों भाई गाएंगे, भाई ओ मेरे भाई हैं, भाई मेरे भाई। चलो चलो यार, बताओ सब बढ़िया? सब बढ़िया भाई। याद नहीं आती मेरी? मेरे को तो बहुत याद आती है, आप आते ही नहीं हो, क्या करें। ये सब बाहर से मंगवाया? ये है क्या वैसे? ये लॉन्चर है, फोर्टनाइट लॉन्चर। ये है क्या? मेरे को मत मारियो, मेरे को। अरे रुक जा, मारियो मत, मारियो मेरे को नहीं, साहिल दा को, साहिल दा को। ऐसे थोड़ी चलेगा, जैसे चला रहा है ऐसे चलेगा ही नहीं, पीछे कर उसको, बटन रहा ही नहीं इसमें, पीछे ही तो कर रखा है। मेरे को नहीं, मेरे को नहीं, मेरे को नहीं, इधर इसको साहिल को मार, साहिल को मार, साहिल को। हां पिछवाड़े पे मार, पिछवाड़े। ओ भाई लगा, ये मतलब इतनी बड़ी क्यों है ये? और क्या लगता, थोड़ी सर का लगता भाई, प्रेशर के लिए भाई लग तो रहा है। तो गाइस अभी काफी देर से हम यहाँ पे हैं, काफी देर से हमारी बातें चल रही है, फुल मस्ती मस्ती मजा आ रहा है यार। ये भी पुराने फेमस पकोड़े हैं, खा के देखो। पुराने हैं, पुराने खिला रहे हमको, मतलब पुराने बंदे के। चलो चलो खाते हैं फिर भी। तो भी गाइस शाम के 7:23 हो गए और अभी तक हम यहाँ पे रुके थे, काफी मजा आया। तो फिलहाल चलते हैं, इसकी आवाज देखना। ओ भाई खतरनाक, तेरे को भी चाहिए? नहीं चाहिए, कान फट जा रहे मेरे चलाते हुए। अरे क्या
नहीं है भाई, नहीं है काम की, नहीं है काम की, नहीं है। दिलाओगे? दिलाओगे? नहीं भाई, मैं नहीं दिलाऊंगा। पता ही नहीं चला पारस भैया घर पे, रात हो गई यहाँ पे, अब चलते अपने घर। तो गाइस अभी हम घर आए और ये देखो हमको कौन मिला, ओरियो की आंटी, उसका नाम आंटी था ना, आंटी। और हाँ अग्रिम भाई क्या हाल चाल? तो अभी गाइस घर पहुँच चुके हैं, तो मम्मी जी ने मस्त क्लीन कर दिया है, चारपाई और कंबल बिछा दिए यहाँ पे। पापा जी चाचा जी ये तीन वहाँ सो जाएंगे, जब मैं वहीं सो जाऊंगी चाहे। तो कैसे लग रहा है इस घर में आके? बहुत अच्छा है बेटा, अपना घर ठहरा रहे, देख तो मम्मी खुश होगी यहाँ पे आके। और क्या, कैसा लग रहा है? कितने लोग आ गए मिलने, देख। जिन्होंने हमारे पुराने ब्लॉग देखे हैं उनको ये देख के काफी अच्छा लग रहा होगा, यहाँ पे हम ब्लॉगिंग करते थे, यहाँ पे हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी और इतना अच्छा लग रहा है ना भाई, काश यहाँ पे दोबारा रह सकते लेकिन नहीं रह सकते। ये देखो पूरा साफ सफाई कर दिया यहाँ पे अच्छे से, पुराने ब्लॉग वाली फील आ रही है पूरी। और ये किचन, किचन में भी कुछ नहीं पड़ा। तो भी गाइस रात के 11:21 हो चुके हैं और अभी हम आए हैं सामने वाले घर पे, गौर भैया घर पे। तो आज यहीं पे हम सोएंगे और यहाँ पे वाईफाई भी है, तो मैं वीडियो भी एडिट कर रहा हूँ मैं, और साहिल पीयूष मैं और दिव्यांश यहीं पे सो रहे हैं। तो हाँ कल हमको निकलना भी है वापस कहीं के लिए, तो वो आप देखना नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी आज काफ़ी अच्छा लग रहा है, वैसे सुबह हमारा प्लान भी है जाने कहीं पर, किले भी चलेंगे। तो हाँ आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मतलब पूरे पुराने घर की याद आ गई मुझे, तो मन कर रहने का बट रह नहीं सकते ना। तो हाँ ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे मत रखो ना इसको, खोल के रहा उसको फिर। मैं कह रहा हूँ ठीक है ना, ठीक है। चले।